बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला और अखिलेश जी ने मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और ये अवार्ड मैं डेडिकेट करूँगी हर उस स्मॉल टाउन गर्ल को जो सपने देखने की हिम्मत करती है और उसे पूरे करने की ताकत रखती है। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी फ़िलहाल 2022 में मेरा एक हॉटस्टार, एक अमेज़ॉन प्राइम के लिए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, हमारा शूट हो चुका। और अभी फ़िलहाल मैंने जी म्यूज़िक के लिए एल्बम करा है और अभी कई एल्बम्स आ रहे हैं, लेट्स सी। यस, मैं खुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ काफ़ी बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए। सो लेट्स सी, अभी तो मई जून तक हो जाएंगे रिलीज़। मुझे काफ़ी DMs भी आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि कब रिलीज़ हो रहा है प्रोजेक्ट। तो ऑफकोर्स 2022 के मिड तक मेरे सारे प्रोजेक्ट्स रिलीज़ हो जाएंगे। थैंक यू। सो कुछ नहीं, काम करने का जुनून है, मेरे फॉलोअर्स का सपोर्ट है, मेरे फैंस का सपोर्ट रहा है हमेशा से, उनसे ही ये इंस्पिरेशन मिलता है और मैं खुद से वो इंस्पिरेशन ढूंढती हूँ कि यस, मुझे कल से आज और आज से कर बेहतर बनना है। अच्छा, आई एम मिस्टर रितेश शाह, सेलिब्रिटी डिज़ाइनर, और अवार्ड मुझे बेस्ट डिज़ाइनर का मिला है 2022 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मेरा डिज़ाइनर स्टूडियो है, सेलिब्रिटी डिज़ाइनिंग करते हैं हम 20 इयर्स से, इंडिया को पूरा डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ऑल वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न वेडिंग कलेक्शंस वी हैव इन आवर स्टूडियो मुलुंड में, एकदम बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। वेडिंग कलेक्शंस वी हैव ऑल कस्टमर्स के लिए भी बनाते हैं, अच्छा सा इन बजट। हो गया, और थैंक यू सो मच अखिलेश सर, मेरे को नेपाल से इन्वाइट किया आज दादा फाल्के अवार्ड के लिए। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच ऑल टीम। आई एम एक्ट्रेस मॉडल इन नेपाली फिल्म इंडस्ट्री नेपाल, और ये अवार्ड मेरे लिए आज का दिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। सबसे पहले गाली दूंगा तेरे को। क्या बोलूँ, हर बार की तरह जो दादा साहब फाल्के जी, अखिलेश जी ने अवार्ड दिया है हमें और उन्होंने ये काबिल समझा कि हमारी जो NGO काम करती है वो इसी तरह करती रहेगी, और हर साल हम इस तरह नॉमिनेट होते रहे दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए। अभी तो ये सेकंड अवार्ड है हमारा। भाई आप क्या कहेंगे, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत सारी खुशी हो रही है मुझे। सॉरी, नहीं, जो हम काम अच्छा करते हैं, जो हम सोशल काम अच्छा करते हैं उसके रिलेटेड में हमको ये अवार्ड मिला है, बस बहुत खुशी हुई है हमें। बहुत सारे प्लान हैं, बट फिलहाल अभी जो फोकस है हम लोगों का वो अन्नदान के ऊपर है, और एट प्रेजेंटली जैसे आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने अभी तक 7 लाख लोगों तक हम पहुंचे हैं, और कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया में, पूरे इंडिया में जो भी लोग भूखे पेट नहीं सो सके, तो हमारी NGO वही कोशिश कर रही है कि अन्नदान के ऊपर हम आगे बढ़ते रहे, और हमारे NGO की तरफ से वो जो भी हमारी किट है वो हम पहुँचाते रहे।